तो क्लास 11th में थ्योरी का पार्ट को मैंने डिस्कस कर दिया था, अब प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल्स में देखो आप द रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशन हैज टू इंक्लूड, रिकॉर्ड को इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे मैं एक आपकी गलतफहमी को दूर कर देता हूँ कि दिस हैज टू बी सबमिटेड आपको टाइम ऑफ देयर एनुअल एग्जामिनेशन मतलब उस समय आपको सबमिट करना है जस्ट बिफोर दिस कि यू हैव टू जस्ट चेक आउट कि आपने जो अपने प्रैक्टिकल जो अपने एक्सपेरिमेंट जो अपनी रिकॉर्ड जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो अपनी एक्टिविटी आपने तैयार की है वो सही है या नहीं है, ये टाइम टू टाइम आप एक बार चेक कराओगे, अपने जो भी टीचर्स हैं सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे चेक कराओगे। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 12 एक्सपेरिमेंट, 12 एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, 6 फ्रॉम ईच सेक्शन, सेक्शन ए से 6, सेक्शन बी से 6 टू बी परफॉर्म बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स जब आप करोगे तो उसमें आपको ये चीज का ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल फाइल जो लिखी जाएगी उसमें जो आपकी प्लेन सीट होती है प्लेन सीट में आप पेंसिल का यूज करोगे, जो रीडिंग होगी रीडिंग में भी पेंसिल का इस्तेमाल करोगे, और जो लाइनिंग है रूलिंग पेपर है उस पे सिर्फ आप पेन का यूज कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज, 6 एक्टिविटीज का रिकॉर्ड करना है आपको, जिसमें 3 ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों से 3-3 एक्टिविटीज आपको ली जाएंगी। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट। अगर कोई प्रोजेक्ट आपने फाइनलाइज किया है, एक प्रोजेक्ट भी आपको बनाना पड़ेगा, वो प्रोजेक्ट किसी पे भी हो सकता है, सीबीएसई में यहाँ पे ये बोला गया है कि आप प्रोजेक्ट वहां पे रेडी करोगे, क्योंकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का आपके पास देखने को मिलेगा। जो पेपर में आपके मार्क्स होंगे वो 30 मार्क्स के होंगे, जो प्रैक्टिकल होगा इवेल्यूशन स्कीम आपकी जो कुछ होगी उसमें आपके 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 आवर्स के पेपर में 2 एक्सपेरिमेंट आपके आपको लिखना होगा, रिटन वर्क करना पड़ेगा 2 एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन ए से 1 एक्सपेरिमेंट आप करोगे, सेक्शन बी से 1 एक्सपेरिमेंट करोगे, दैट मीन्स 7+7 14 मार्क्स का यहाँ पे आपका एक प्रैक्टिकल होगा जिसमें आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे और उसकी रिटन वर्क को कम्प्लीट करोगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कहने का मतलब हो गया जो आपने प्रैक्टिकल फाइल तैयार की है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट आपने प्रैक्टिकल फाइल में नोट किया है, और जो एक्टिविटीज आप अपने A4 शीट में भी करके आप जो स्टिक फाइल में रेडी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जिनके पास होता है कि प्रैक्टिकल फाइल उनकी थोड़ी पतली है, एक्टिविटीज उसमें नहीं आएगी, फिर दूसरा प्रैक्टिकल फाइल अगर परचेज करना पड़ रहा है तो मैं उनके लिए ये एडवाइस करूंगा कि प्रैक्टिकल सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखें, एक्टिविटीज के लिए एक थिन सीट पे A4 सीट पे आप एक्टिविटीज तैयार कर सकते हैं। उसमें ये इस पे आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और एक्टिविटीज पे आपको मिलने वाला है 5 मार्क्स। 1 एक्टिविटी फ्रॉम इस सेक्शन फ्रॉम एनी सेक्शन, ठीक है, 1 एक्टिविटी फ्रॉम एनी सेक्शन, यहाँ पे कोई भी एक एक्टिविटी किसी भी एक सेक्शन से आप यहाँ पे इसको परफॉर्म इसको रिटन में ये प्रैक्टिकल ये रिकॉर्ड रहेगा, और ये एक एक्टिविटी आप एक्स्ट्रा यहाँ पे करके लाओगे जिसमें 3 मार्क्स आपको मिलेगा। एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में बहुत सारे बच्चे जो हैं उस पर थर्मोडाइनमिक्स पे लेजर पे या फिर सेंसर पे या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक पे उस सब का प्रोजेक्ट पे जिसपे आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट, वाइवा आपके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक्टिविटीज के बेसिस पे और प्रोजेक्ट के बेसिस पे होती है नॉर्मली, बाकी आपसे वाइवा जो है आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेड नहीं है। यह 5 मार्क्स का होगा, टोटल ओवरऑल आपका 30 मार्क्स यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिकल्स में आपको मिल जाएगा। अब रह जाता है सेक्शन ए में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो आपने परफॉर्म किया हुआ है तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो एक्सपेरिमेंट फ्रॉम सेक्शन ए, सेक्शन ए में जो एक्सपेरिमेंट है आपका, देखो, टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल सिलेंडर सिलेंड्रिकल बॉडी, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल बॉडी का डायमीटर मेजर करना है, एंड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर एंड डेप्थ, ठीक है, ऑफ अ गिवन बीकर कैलोरीमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एंड हेंस फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो आपने परफॉर्म किया हुआ है, पहले एक्सपेरिमेंट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप यहाँ पे इसके लिए मेजरमेंट कर सकते हो। दूसरा है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए गिवन वायर, कोई भी वायर की डायमीटर आपको निकालनी है, उसकी थिकनेस आपको पता करनी हो सकती है, ऑफ ए गिवन सीट, गिवन सीट की थिकनेस आप स्क्रू गॉज के हेल्प से, ये आपने अच्छे से किया हुआ है। थर्ड है, टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर लेमिना यूजिंग
स्क्रू गॉज। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको लेमिना मतलब कोई सीट है और उसकी इरेगुलर वॉल्यूम मतलब उसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालनी है तो उसको कैसे निकालोगे, तो इससे आप यहाँ पे स्क्रू गॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, यूं आप कर सकते हो। फोर्थ है टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए गिवन स्फेरिकल सरफेस बाय स्फेरोमीटर। तो अभी आपको स्फेरोमीटर मैंने दिखाया नहीं है, मैं अगला जब मैं भी आपको अगली क्लास लूंगा नेक्स्ट में प्रैक्टिकल जब मैं स्टार्ट कराऊंगा, अभी जब तक आप इन प्रैक्टिकल को जब तक आप करोगे उसके बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें ये आपको बताऊंगा। देखिए फिफ्थ है आपके पास यहाँ पे टू डिटरमाइन द मास ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द बीम बैलेंस। अब बीम बैलेंस से आप मास को यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो डिफरेंट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो उसको भी मैं मेथड बताऊंगा कैसे किया जाए। नेक्स्ट सिक्स टू फाइंड द वेट ऑफ ए गिवन बॉडी यूजिंग पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर का जो आपको इसमें स्टडी भी करना है, वेक्टर में आपको स्टडी करना है, चैप्टर थ्री में मोशन इन प्लेन में आपको ये पूरी स्टडी करनी है, और वहां पे पैलोग्राम लॉ का जो फॉर्मूला होता है जिसमें रिजल्टेंट निकालते हो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो वो भी आपको इसी मेथड से यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिकल काफी हेल्प करेगा उस फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए। नेक्स्ट है यूजिंग सिंपल पेंडुलम प्लॉट एल टी स्क्वायर ग्राफ यूज इट टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड सेकेंड दो सेकेंड का होता है, यहाँ पे सेकेंडली पेंडुलम जो एक सेकेंड का होता है उसको सेकेंडली पेंडुलम बोलते हैं, ये सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, तो इसको भी आप यहाँ पे आराम से बहुत ही आराम से इंजॉय करोगे इस प्रैक्टिकल को आप। क्वेश्चन नंबर एट टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड अगर निकालनी है सिंपल पेंडुलम की कैसे निकालेंगे, गिवन लेंथ बाय टेकिंग बॉब्स ऑफ द सेम साइज बट डिफरेंट मासेस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो यहां से जैसे इसमें क्या करते हो, आप एक बॉब ले लेते हो, उसको एक स्ट्रिंग से हैंग करते हो, और हमारे पास जो क्लैंप होता है उससे मैं हैंग कर देता हूँ, और उसके बाद स्टॉप वॉच को लेके आप इसकी रीडिंग को लोगे कि कितनी लेंथ है, लेंथ की रीडिंग ले ली जाएगी उसको स्केल से रीड करके, उसके बाद एटलीस्ट 20-22 ऑसिलेशंस पे एक रीडिंग टाइम नोट किया जाएगा, और इस तरह से कम 5-6 रीडिंग्स लेने के बाद उसकी एवरेज निकालते हो, जिससे कि उसका टाइम पीरियड यहाँ पे वेरिएशन ऑफ पीरियड द टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड उस पेंडुलम का मिल जाता है। तो इसको जब परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन एंड द फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये भी है, इस पे भी आप बड़े आराम से यहाँ परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो पूरे टोटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सेक्शन ए में 10 एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, तो 10वां जो एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द डाउनवर्ड फोर्स अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन। जिस तरह से ओरिएंटल में देखा है उसी तरह से ये दूसरा रोलर होता है जिसमें इंक्लाइन प्लेन होती है, और इसमें एक रोलर लेके आप ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हो, एंड द स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड साइन थीटा। ये यहाँ पे आप निकालते हो, तो इसमें से आपको 6 एक्सपेरिमेंट, तो मैं चाहूंगा कि आपको 6 एक्सपेरिमेंट में से जो स्टार्टिंग का एक्सपेरिमेंट है ऊपर में जो मैंने दिखाया आपको, ये एक्सपेरिमेंट है देखो आप, एक्सपेरिमेंट 1 है आप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 3 है, ये 3 एक्सपेरिमेंट तो आप कर सकते हो। रहेगी बात अभी बाकी एक्सपेरिमेंट की, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने फाइल में कंप्लीट करोगे। फिलहाल मैं सेक्शन बी पे आता हूँ और सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है आपके, यहाँ पे भी आप देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का पार्ट है, और यहाँ पे आपको देखना है आपको यंग्स मॉडल्स निकालनी है, यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है एक जो गिवन वायर है उसके मटेरियल के लिए, ठीक है। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ ए हेलिकल स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होती है हेलिकल बिल्कुल इस तरह से रोटेट करती हुई घूमी हुई, तो उसमें आपको ग्राफ उसका ड्रॉ करना है, अगर आप उस पर लोड कुछ हैंग करते हो तो किस तरह का लोड होगा, और उस पर आपका न्यूमेरिकल्स भी है, क्वेश्चन भी है जो थ्योरी में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है, और यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट देखो आप टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विथ प्रेशर फॉर अ सैंपल ऑफ एयर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ पी V
वी एंड बिटवीन पी एंड 1/V, इसके बीच का ग्राफ भी ड्रॉ करना है. क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी ट्यूब राइज मेथड. तो कैपिलरी ट्यूब आपके लैब में है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैपिलरी ट्यूब कैसा होता है और वहां पे सरफेस टेंशन इससे हेल्प से कैसे निकालते हैं. अलग अलग साइज की, अलग अलग रेडियस की कैपिलरी ट्यूब हमारे पास अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका प्रैक्टिकल नंबर 5 है, टू डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गिवन विस्कस लिक्विड बाय मेजरिंग द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए गिवन स्फेरिकल बॉडी. तो कोई भी स्फेरिकल बॉडी, यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी मतलब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए एक लंबी सी ट्यूब होती है, उस ट्यूब में हम लोग, ग्लास की ट्यूब होती है, उसमें हम लोग ग्लिसरीन डाल देते हैं. ग्लिसरीन डाल के आप उसमें जो लोहे की बॉल होती है, जिसको आप छर्रा बोलें या फिर स्फेरिकल मेटल बॉल बोलें, उसको आप उसमें 1/1 आप एक सर्टेन इंटरवल पे आप डीप ड्रॉप करते हो. तो नीचे उसमें जाने के बाद, ग्लिसरीन में जाने के बाद बॉटम तक जाने में जो टाइम लेता है, उसकी रीडिंग हम लोग स्टॉप वॉच से लेते हैं. इस तरह से हमें पता लगती है कि उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की ये बात कर रहा है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी हमें निकालने में बड़ा हेल्प करता है. नेक्स्ट है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी एंड टाइम प्लॉटिंग एंड बॉडी एंड टाइम बाय प्लॉटिंग द कूलिंग कर्व. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है. पूरे का पूरा देखा जाए तो यहाँ पे भी 10 एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको 6 एक्सपेरिमेंट जो भी आपको इजी लगे, छोटा लगे, उसको आप परफॉर्म करो, कोई दिक्कत नहीं है. 7th एक्सपेरिमेंट है, टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए गिवन सॉलिड बाय मेथड ऑफ मिक्सचर्स. 8th है, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ कॉन्स्टेंट टेंशन यूजिंग सोनोमीटर. और सोनोमीटर भी हमारे लैब में है, इसकी भी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको परफॉर्म खुद से करना पड़ेगा. सोनोमीटर की रीडिंग लेने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी रीडिंग ले सकते हो. 9, टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ अ गिवन वायर एंड टेंशन फॉर कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी यूजिंग सोनोमीटर. ये भी सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट है. और लास्ट एक्सपेरिमेंट, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब बाय 2 रेजोनेंस पोजिशंस. तो ये है, और इसके साथ साथ आप ये टोटल 10 प्रैक्टिकल्स के बाद आपके पास यहाँ पे एक्टिविटीज भी आपको दिख रही है. देखिए एक्टिविटीज में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटीज में देखिए, फर्स्ट एक्टिविटीज है टू ऑब्जर्व द चेंज स्टेट ऑफ बॉड द कूलिंग कर्व्स ऑफ मोल्टन वैक्स. तो एक्सपेरिमेंट में जो एक्टिविटीज है, मैं उसके लिए आपको प्रेफर करूंगा जो कि छोटी एक्टिविटीज आपकी लैब मैनुअल में या फिर आपके जो आप प्रैक्टिकल फाइल भी परचेज करोगे उसमें भी आपके साथ एक्टिविटीज वगैरह साथ में लिखी हुई है, तो उसी को आप कॉपी करो और उसमें उस पर फोकस करो जिसमें कैलकुलेशन वगैरह थोड़ा कम हो, जिससे आपकी थोड़ी मेहनत कम हो जाए. टू ऑब्जर्व एंड एक्सप्लेन द इफेक्टिव हीटिंग ऑन ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप. ठीक है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप मतलब मेक स्ट्रिप होती है. 3rd है, टू नोट द चेंज इन लेवल ऑफ लिक्विड ऑन ए कंटेनर इन ए कंटेनर ऑन हीटिंग द इंटरप्रेट द ऑब्जर्वेशन. तो ये सब एक्टिविटी है जो परफॉर्म आप करोगे तभी आपको पता लगेगा, लेकिन फिलहाल आप रिटन वर्क यहाँ पे कर सकते हो. टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट ऑन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय ऑब्जर्विंग कैपिलरी राइज. तो ये तो आप घर में भी कर सकते हो कि भाई आपको पता है कि सरफेस टेंशन जो है, अगर आप उसमें सोप वगैरह डालते हो वो इससे रिड्यूस होती है, या हीट करने पर भी सरफेस टेंशन रिड्यूस होती है. नेक्स्ट है 5, टू स्टडी द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए लिक्विड. एंड 6th इज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लोड ऑन डिस्पर्जन ऑफ सुटेबली क्लैम्प्ड मीटर स्केल लोडेड एट इट्स एंड और इन द मिडिल. ये सब ऑब्जर्वेशन का ही है. और लास्ट 7th है, टू ऑब्जर्व द डिक्रीज इन द प्रेशर विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड. तो इस तरह से ये 7 एक्टिविटीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ये एक्टिविटीज आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी होगी. अब यहाँ पे आपके पास कुछ देखिए, आइटम आइडेंटिफाई फैमिलियर ऑफ एपरेटस फॉर असेसमेंट इन द प्रैक्टिकल्स ऑल एक्सपेरिमेंट. ये क्या क्या लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे भी आप प्रैक्टिकल्स की लिस्ट देख सकते हो. टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मेल स्फेरिकल यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स, to measure the internal diameter of depth of beaker containing using vernier calipers, to measure the diameter of a given wire screw gauze, to measure the thickness of the seat,
ये प्रैक्टिकल की लिस्ट है, बी वाले पार्ट में दे रखी है इन्होंने, और ये सब एपरेटस हैं जिससे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब रह गई बात कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्रैक्टिकल इतने सारे बताए तो मैंने दो ही हैं, लेकिन बाकी प्रैक्टिकल आप कहाँ से कंप्लीट करोगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आप मेरे चैनल पे जाओगे, मेरे चैनल पे यहाँ पे आप इस जगह पे आप टाइप करोगे प्रैक्टिकल, ठीक है, यहाँ जैसे ही आप प्रैक्टिकल करोगे इंटर करोगे आपके पास ये देखो प्रैक्टिकल्स का पूरा पार्ट आएगा, लेकिन जो भी यहाँ पे आप देखोगे ये सब 12th का है, और 11th का जहाँ पे है वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए ये ग्रीन से जो लिखा हुआ है ये 11th का है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर बाय वर्नियर कैलिपर्स। तो आप यहाँ पे जब इसको आप स्टार्ट करोगे, मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि आपको कैसे वहाँ पे रीडिंग लेनी है। Hello, welcome to the postgraduate program in artificial intelligence and machine learning offered by the University of Texas at Austin. ये देखिए यहाँ पे आप पॉज करोगे, जो भी चीजें आ रही हैं यहाँ पे आप पॉज करके अब जैसे ही आप वहाँ पे देखोगे ये देखो सो गाइस बिल्कुल क्लियर आ रहा है। एम है यहाँ पे टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी बाय यूजिंग द पेयर ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, एपरेटस है, फॉर्मूला क्या यूज किया है आपने वो है। उसके बाद आप पॉज करते जाओ और दूसरे पेज में आप आ जाओ। यहाँ पे आप देखो आप नेक्स्ट पेज में आने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज अगर जैसे ही आप पॉज करके आप मूव करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी और लास्ट तक आपके पास यहाँ पे देखोगे ये रीडिंग और ये टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल, एंड देन ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आपके पास लास्ट में प्रिकॉशन एरर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये देखिए कैलकुलेशन है, रिजल्ट है, और रिजल्ट के बाद आप यहाँ पे देख सकोगे सारी चीजें आपको इस तरह से अवेलेबल। तो ग्रीन कलर से जो भी आपका देखिए प्रिकॉशन है, सोर्स ऑफ एरर है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिकल फाइल को एटलीस्ट बिफोर टाइम आप कंप्लीट कर सकते हो, और स्टेप वाइज मैं प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म कराता चला जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप और भी प्रैक्टिकल्स अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो देखिए जो भी ग्रीन कलर से होगा वो आपके लिए यहाँ पे देखो ये लैमिना का है, ये रेगुलर लैमिना का जो आपने स्क्रू गॉज का देखा है, पूरी प्रैक्टिकल यहाँ पे आप इसका भी लिख सकते हो। तो जो भी है आपके पास यहाँ पे देखो ये है मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ए थिन वायर यूजिंग स्क्रू गॉज, ये प्रैक्टिकल तो आपने कर ही रखा है। और यहाँ पे देखिए मेजरमेंट ऑफ डायमीटर डेप्थ ऑफ बीकर बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स फाइंडिंग इट्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकालने के लिए है, और अभी जो हमने देखा था वो प्रैक्टिकल है। ये इस तरह के प्रैक्टिकल्स यहाँ पे आपके पास दिए हुए हैं। जो परफॉर्म जो कराना था वो तो मैंने करा ही रखा है आपको, आपने देखा ही है मैंने अपनी तरफ से जो परफॉर्म कराया है। अभी फिलहाल जो दो तीन प्रैक्टिकल्स यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, बड़े आराम से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा।